we have what are the modification letter in the Dalton economic theory. Now we will going to start our next topic, that is the atom and molecule. Atom and molecule. What do you mean by atom and molecule? Atom or molecule hai kya? Hame sabse pehle to samajhna hoga ki bhi atom kya hota hai aur molecule kya hota hai. Sabse pehle hum batayein atom ke bare mein. It is the smallest particle of matter. Particle of matter. Who does?
कार्बन। अब ये यहाँ क्या कहता है बच्चे, ये कहता है कि 1/12 भाग के कार्बन के कितने गुना भारी है, दैट इज नोन एज इट्स एटॉमिक मास। तो यहाँ पर जो यूनिट यूज करते हैं हम एटॉमिक मास को मेजर करने के लिए, यूनिट टू मेजर एटॉमिक मास, एटॉमिक मास को मेजर करने के जो यूनिट हम यूज करते हैं AMU, और सिंपली आजकल हम इसको यू बोलते हैं। AMU का मतलब क्या हो गया, एटॉमिक मास यूनिट, और यू यूनिफाइड स्केल, यूनिफाइड स्केल जो है मतलब जो यूनिट यूज की जाती है एटॉमिक मास को मेजर करने के लिए, तो हम ये यूनिट यूज करते हैं। और वन ए एम यू इज इक्वल टू द 1.66 × 10⁻²⁴ ग्राम, और 1.66 × 10⁻²⁷ किलोग्राम के बराबर होता है 1 AMU। तो इस तरह से आप जो है वो इन यूनिट्स को यूज कर सकते हैं, यूनिट टू मेजर द एटॉमिक मास। तो ये था बच्चे एटॉमिक मास के बारे में कि एटॉमिक मास को हम डिफाइन कैसे करेंगे, उसकी यूनिट क्या होती है, और उसकी यूनिट ग्राम में किसके इक्वल होती है, और किलोग्राम में वो किसके इक्वल होती है, उसके बारे में हमने यहाँ पर बात की। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास ऑफ ए एटम इन ग्राम इज नॉन एज ए ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास ऑफ ए एटम इन ग्राम्स इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास। आप ये भी कह सकते हैं कि भी जो आपका मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम इज ऑलवेज ग्राम एटॉमिक मास और 1 ग्राम एटम। यहां पर मास ऑफ 1 मोल ऑफ, 1 मोल ऑफ एटम इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम एटम, और ग्राम एटम। अब यहां पर ध्यान रखना बच्चे, कई बार आता है 1 ग्राम एटम, 1 ग्राम एटम में हम मान लेते हैं उस एटम का 1 ग्राम, नहीं, उसका मतलब होता है एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट इन ग्राम। मतलब आपका ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है वो 16 AMU है, तो उसका ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम एटम 16 ग्राम हो जाएगा। जितना AMU में उसका मास है, आपने ग्राम एटॉमिक मास में और ग्राम एटम में उसके AMU की जगह पर ग्राम लगा देना है, बस वो कुछ नहीं करता। उसके बाद हम बात करते हैं मोलिकुलर मास, मोलिकुलर मास, टोटल मास ऑफ, टोटल मास ऑफ ऑल द एटम, ऑल द एटम प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ, फॉर्मूला यूनिट ऑफ ए मॉलिक्यूल, ऑफ ए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास, इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास। अब ये यहां पर क्या कहता है बच्चे आपको, ये कहता है किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम प्रेजेंट है उन सब के मास को जोड़ दें
आपके पास उसका मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा, सेम ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए एटम या वन मोल पर टोटल मास ऑफ, टोटल मास ऑफ वन मोल ऑफ, वन मोल ऑफ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम मॉलिक्यूल। अब यहां पर देखो भाई, कार्बन डाइऑक्साइड का अगर आपसे पूछे मॉलिक्यूलर मास तो 44 amu कार्बन डाइऑक्साइड सी प्लस 2 इंटू ओ, तो यहां पर 12 प्लस 2 इंटू 16 दैट इज 44 amu। अगर आपने amu में लिखा तो उसका हो गया मॉलिक्यूलर मास, अगर आपने लिखा 44 ग्राम और 44 ग्राम तो 44 ग्राम आपका हो गया ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम मॉलिक्यूल। तो इस तरह से हम जो है मॉलिक्यूलर मास के बारे में बता सकते हैं और एटॉमिक मास के बारे में बता सकते हैं। अब हम बात करते हैं एवोगैड्रो हाइपोथेसिस के बारे में। व्हाट इज एवोगैड्रो हाइपोथेसिस टेल टू अस, equal number of molecule,
क्या बचे आपका एवोगैड्रो हाइपो